बड़े बू ने अच्छा नहीं किया, मतलब पहले तो बड़ी बातें सुना रहे थे, बड़ा गुस्सा दिखा रहे थे, लेकिन जैसी बेटी सामने आई तो औलाद का प्यार जाग गया। चानी तुम बिल्कुल खामोश रहो। तुम्हारे अब्बू गए हैं ना बड़े अब्बू से बात करने के लिए, तो रमजा को घर में रखना है या नहीं इसका फैसला वो करेंगे। बेहतर है कि इस मामले से दूर रहो। मैं क्यों दूर रहूं? क्या सिर्फ बड़ों की बेइज्जती हुई है, उनकी बदनामी हुई है, मेरी नहीं हुई? बातें कर रहे हैं, पता नहीं आपको मुझे लोगों ने क्या क्या बातें सुनाई हैं। हाँ तो जो कहने ना जाके अपने बाप से कहो, मुझे मत कहो। वैसे भी उस लड़की को घर में रखने के हक में मैं भी नहीं। तो फिर किस बात की देर है, निकाले ना उसे। ये तुम्हारे अप्पू गए हैं ना बात करने के लिए, उन्हें आने तो दो, तभी पता चलेगा कि क्या फैसला होता है। अजन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो। अजन, मेरी बात का बुरा मत मनाइएगा, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे आप बेटी की मोहब्बत में इस घर की बदनामी को भूल रहे हैं। इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। आजन, शायद आपको अंदाजा नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी तरह अंदाजा है मुझे कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मैं रमशा का बाप हूं, चाचा नहीं हूं उसका। क्या नहीं भाजन, नहीं, मुझे आपसे ये उम्मीद ना थी। अगर रमशा तुम्हारी बेटी होती तो तुम क्या करते अनवर? मैं भाजन, अगर रमशा मेरी बेटी होती और वो मेरी इज्जत को यूं पामाल करती तो मैं उसे कत्ल कर देती। जान से मार देता मैं उसे। यही तो फर्क है, ना किसी को भी ये दिल ना दिखाए।